मारा मारी है, पूरा गर्दा है एकदम सामने। आप देख कितनी मात्रा में भीड़ है, ऐसे लग रहा है सभी के सभी पैसेंजर शिवगंगा की ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी चल रही है नई दिल्ली। तो अभी गेट पर देख लो कितना तेजी से मारा मारी हो रही। स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। इस वक्त मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और इस टाइम त्योहार का सीजन है, दिवाली आ रही है और आज हम सफर करेंगे नई दिल्ली से वाराणसी। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। तो चलते हैं अब स्टेशन की और बाकी ये वीडियो पसंद आएगी ना लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे दोस्तों अगर आप मेट्रो से आते ना तो मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी सीधा स्टेशन की ओर जाता है और अभी स्टेशन के बाहर हूँ। स्टेशन पे भीड़ देखो कितनी मात्रा में है दोस्तों। आप इस तरफ देख सकते हो और देखिए यहाँ पे कैसा पंडाल बनाया गया है और सामने ही रिजर्व टिकट मिलेगा और अनरिजर्व टिकट और सामने के डिस्प्ले कितना अच्छा लगाया गया। बाकी खाने पीने की फैसला तो टिकट तो हमने ले लिया है। टिकट सुपर फास्ट के लिए है क्योंकि किसी भी ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। 240 रुपए की पड़ी। बाकी ये पंडाल आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है फेस्टिवल के कारण, इस वजह से यहाँ पे पंडाल वगैरह लगा दिया ताकि यात्रियों को ना किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। अभी चेक इन कराने के बाद स्टेशन पे आ चुका हूँ। ये प्लेटफॉर्म 16 है और देखिए भीड़ तो कंट्रोल ही नहीं हो रही, इतनी ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। आप सामने देखिए और किस तरीके से यहाँ पे रस्सी का घेरा बना दिया गया ताकि किसी भी पैसेंजर को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और प्लेटफॉर्म 16 पे नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर पटना की ओर जाने वाली ट्रेन को लगाया गया है। देखो दोस्तों कितना मारा मारी है, पूरा गर्दा है। ट्रेन चलती है उसके बावजूद ये हाल है। आप देखो दोस्तों कितनी मात्रा में भीड़ है, ऐसे लग रहा है सभी के सभी यहीं आ गए, यूपी और बिहार की ओर जा रहे हैं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली लगी हुई है। जब ये ट्रेन हटेगी तब क्या बोलते हैं शिवगंगा एक्सप्रेस को लगाया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे क्लोन स्पेशल लगी हुई है जो नई दिल्ली से दरभंगा की ओर जाती है। ज्यादातर तो इसमें आपको एसी वाले डिब्बे मिलेंगे, बड़ा पीछे की ओर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको स्लीपर और जनरल कोच मिलेंगे। तो दोस्तों उस ओर भी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे लाइन कितनी लंबी है, उस ओर भी कोई ट्रेन आ रही है। मुझे लगता है यूपी और बिहार की ओर वाली ट्रेन होगी तभी इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ है। तो अभी इस ओर से तेजस राजधानी एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है नई दिल्ली से जो राजेंद्र नगर टर्मिनल जाती है। तो इस ओर जो भीड़ आपने देखा था ना प्लेटफॉर्म नंबर 14 है वो यही ट्रेन की भीड़ है, ये मालदा टाउन जाएगी। वैसे अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यह रेलवे स्टेशन सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। साथ ही आप तो जानते हैं कमाई के मामले में नंबर 1 पे है। बाकी यहाँ पे आपको 16 प्लेटफॉर्म मिलेगा और ये नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। डिवीजन की बात करूँ तो ये दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है। पहुंचा हूं प्लेटफॉर्म नंबर 12। भीड़ तो पीछे है, मैं सबसे आगे आ चुका हूं। यहीं से हमारी ट्रेन जो है बन के चलेगी। ट्रेन की बात करूं तो शिवगंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस होने वाली जो डेली रन करती नई दिल्ली से बनारस की ओर और इसमें आपको सभी क्लास मिलेगा जैसे जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी कोच। अभी शिवगंगा आई भी नहीं और भीड़ देखो कितनी मात्रा में। शिवगंगा के प्रेमी सब शिवगंगा की भीड़ है, सभी पैसेंजर शिवगंगा की ट्रेन का वेट कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेन आएगी तो देखो मारा मारी होगी, पूरा जनरल कोच आगे ही लगेंगे। तो अभी इस ओर एक पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है, लोकल ट्रेन। तो इस ओर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है जो नई दिल्ली से गुवाहाटी की ओर जाती। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे इंदौर इंटरसिटी आ चुकी है जो नई दिल्ली से इंदौर की ओर जाती, बहुत बढ़िया ट्रेन है। वैसे ये उज्जैन भी जाती है। दोस्तों सफर अपना वही जनरल क्लास में होने वाला है, बड़ा ही मजा आएगा, देखते कितनी भीड़ मिलती है। और शिवगंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है, सामने आप देख रहे हैं भाई किस तरीके से लाइन लग चुकी है ट्रेन के लिए और अभी ट्रेन रुकी भी नहीं है, लेकिन कितनी ज्यादा भीड़ देख लो दोस्तों। अभी ट्रेन आ चुकी है और भीड़ देखो कितनी मात्रा में। खोल दे भाई खोल दे, सबको अंदर जाना है बनारस, पूरा मचा है गर्दा। इसी तरीके से आपको शिवगंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की जर्नी दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर हूँ और ऊपर वाली सीट मिली है, नीचे वाली सीट नहीं मिल पाई, थोड़ा सा लेट हो गया। इस ट्रेन का नाम चलता है, मेरे साथ को पैसेंजर भी बनारस तक जाएंगे, अभी मैं आप मिलाता हूँ और साथ ही बताता हूँ शिवगंगा की कितनी ज्यादा डिमांड है यहाँ से बनारस तक। हमारे साथ यात्रा करे को पैसेंजर, सबसे दोस्ती हो गई। भाई बनारस तक जाओगे आप? बिल्कुल। और आप? हम भी बनारस है ना, काशी के रहने वाले हैं। दोस्तों अभी आपने सुना शिवगंगा के प्रेमी कितने ज्यादा हैं, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करते। क्यों? क्योंकि 755 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ से बनारस की दूरी और 10 घंटे लगते हैं टोटल। सुबह 6 बजे पहुँचा देगी, 8:05 पे यहाँ से चलेगी।
बाकी इसमें आपको लेडीज कोच भी मिल जाएगा अगर आप आगे की ओर जाएंगे ना, तो SLR कोच बना रखा है, दिव्यांग कोच भी और एक लेडीज कोच भी है। दोस्तों अभी ट्रेन चली भी नहीं और भीड़ देखो कितनी ज्यादा मात्रा में, उस ओर देखो अभी भी लोग चढ़ रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में। बाकी चार्जिंग की भी अच्छी खासी फैसिलिटी, बैग टांगने वाला कितना अच्छा बना रखा है, लेकिन पूरा एकदम भर गया है बैग टांग टांग के। और इस ओर भी और यहाँ पे सीट के लिए मारा मारी चालू हो चुकी, किस तरीके से सीट के लिए लड़े जा रहे हैं लोग। तो अभी गेट पर देख लो कितना तेजी से मारा मारी हो रही अंदर आने के लिए। दोस्तों ट्रेन हमारी चल रही है नई दिल्ली से 8:07, 2 मिनट लेट चली। बाकी अगर मैं रूट की बात करूँ ना, तो ये ट्रेन सुपर फास्ट है, दो ही जगह रुकेगी, पहला कानपुर सेंट्रल, दूसरा प्रयागराज। उसके बाद सुबह 6 बजे कह रहा हूँ ये हमें पहुँचा देगी बनारस। देख लो इनको एक नंबर लगा हुआ है और ये कितनी मुश्किल से जा रहे हैं, भीड़ इतनी है। तो भैया निकल लोगे इधर से, कोशिश करने वाले की। वैसे दोस्तों इस ट्रेन में ना पेंट्री कार है, खाने पीने की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट टाइम टू टाइम खाने वाले भी आ रहे हैं, पीने वाले भी आ रहे हैं, जैसे ही आते तो मैं आपको दिखाता हूँ। कितने रुपए भैया? भैया खाना खा रहे हैं, अभी भैया ने पूरी सब्जी लिया है। अभी रात के 10:25 हो रहे और धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन है अलीगढ़ जंक्शन पार कर रही है। बाकी बात करूँ अगर ट्रेन के किराए की, नई दिल्ली से यदि आप बनारस जाएंगे जनरल क्लास में तो आपको देने होंगे 240 रुपये, वहीं स्लीपर क्लास का आपका पड़ जाएगा 430 रुपये, थर्ड एसी से जाएंगे तो 1160 रुपये देने होंगे। बाकी सेकंड एसी भी मौजूद है, 1600 किराया है उसका। फर्स्ट एसी इस ट्रेन में अवेलेबल है, उसका किराया है 2600 रुपये। इस शख्स को ध्यान से देखो, ये कह रहा था कि मैं नहीं सोता हूँ लेकिन घोड़े बेच के सो रहा है, अब जग गया। हाँ भाई कहाँ गई बात वो, चलो कोई नहीं सो जाओ, कानपुर वैसे आने वाला है। और यहाँ पर ये भाई भी अपना जुगाड़ पानी बना के किसी तरह सो गए हैं। इस वक्त 1:30 रात के और अभी हमारी ट्रेन पहुंची कानपुर सेंट्रल, कानपुर के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंची। बाकी यहाँ पे पहुंचने का टाइम था पूरे 1 बजे, लेकिन आधे घंटे लेट है। ये कानपुर सेंट्रल इसलिए क्योंकि ये खास रेलवे स्टेशन यूपी का, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है, साथ में IIT कानपुर भी है। और यहाँ से आप जाना चाहते हैं वाराणसी की ओर, प्रयागराज की ओर, गोरखपुर की ओर, साथ ही और भी जगह जा सकते हैं। ट्रेन हमारी कानपुर से चलती है, अब इसका अगला जो प्रयागराज जंक्शन। बाकी यहाँ पे ना काफी लोग उतरे भी है, काफी लोग चढ़े, भीड़। ये देखो दोस्तों कितने ज्यादा लोग यहाँ पे चढ़े, भीड़ तो अभी भी है इस वक्त। अभी इस वक्त 3:55 हो रहे और अभी हमारी ट्रेन पहुंची प्रयागराज जंक्शन। ये भी काफी बड़ा जंक्शन पॉइंट है, पहले इसका नाम अलाहाबाद था बट अब चेंज हो गया प्रयागराज। और यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है कि जब आप यहाँ आएंगे ना तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं, माँ जमुना और माँ सरस्वती तीनों के संगम है, और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। चलते हैं ट्रेन के अंदर। और अभी इस ओर अनन्या एक्सप्रेस आ चुकी है जो कोलकाता से उदयपुर सिटी की ओर जाती है। ट्रेन हमारी चल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से। प्रयागराज जंक्शन के बाद ट्रेन एकदम खाली हो चुकी है, ऐसे लग रहा है आधे से ज्यादा पैसेंजर उतर चुके हैं। हाँ भैया कैसा लग रहा है सीट पाकर वो? अरे इतना अच्छा लग रहा है कि गांव वाली फीलिंग आ रही है। ज्यादा ना बोल पा, कम बोल पा। अरे भाई वैसे दोस्तों क्या बताऊं, मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया संगम के,
क्यों? क्योंकि रात का टाइम था ना, बट आप दिन में जब सफर करेंगे तो आप जरूर संगम के दर्शन करें। वैसे आप प्रयागराज आएंगे ना तो आप संगम के दर्शन करेंगे। प्रयागराज स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्योंकि ये ट्रेन कमाल की है, हर कोई इस ट्रेन की तारीफ करता है और इस ट्रेन को सल्यूट मारता है। मैं भी एक सल्यूट मार देता हूँ आपके सामने। बाकी इसके अलावा श्रमजीवी है, काशी विश्वनाथ है, लिच्छवी एक्सप्रेस भी है, और भी काफी ट्रेन है। आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो आप अपने टाइम टेबल और अपने बजट अनुसार चले। बाकी मिलते हैं आपसे सीधा बनारस। पहुंच गए बनारस। सुबह के 5:55 पे हमें ट्रेन बनारस पहुंचा दी, 15 मिनट पहले। 6:10 की टाइमिंग थी लेकिन 15 मिनट पहले पहुंचाई, क्योंकि सल्यूट है इस ट्रेन को। शिव गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसके नाम में ही सीहोर गंगा, वो ट्रेन भला कैसे धीरे हो सकती है। बाकी आप सभी को प्रणाम करता हूँ बनारस की धरती से। टोटल किलोमीटर की बात करूँ तो 755 किलोमीटर का हमने सफर किया, तो 10 घंटे लगा। उस ओर काशी विश्वनाथ भी आ चुकी है। सफर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही था दिल्ली से बनारस का सफर, वो भी जनरल क्लास में, वो भी लो बजट में, 240 रुपए मात्र लगा और हम बनारस पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे इसके एपिसोड 2 में, जिसमें हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।